हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। यानी कि आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 11S वर्सेस टेक्नो पुआ 3 के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे कई टच रिस्पॉन्स, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, FPS एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट, हीटिंग टेस्ट, सभी चीज़ों का इस यहाँ पे डिटेल में आपको कंपेयर करके बताने वाले हैं। यहाँ पे गाइस ऑलरेडी मैंने इन दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट कर दिया है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से चेकआउट कीजिए। पुआ 3 का हमने फ्री फायर मैक्स का टेस्ट कर दिया है, तो वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कितना बैटरी ड्रेन होता है। 1 घंटा का हमने टेस्ट था एंड साथ ही गाइस यहां पे वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है पुआ 3 में। बट अगर आप चाहते हैं वॉइस चेंजर के लिए ये फोन बाय करें तो पहले वो वीडियो जरूर से देखिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा एंड मैं नहीं चाहता कि आप पछताएं, क्योंकि इस वहां पे वॉइस चेंजर में इशू देखने को मिलता है। तो आप वो वीडियो पहले चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। बाकी दोस्त ये वीडियो को देखिए एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये रहे हमारे दोनों फोन्स एंड सबसे पहले गाइस यहाँ पे चले फ्री फायर मैक्स को एक साथ ओपन करेंगे एंड देखते हैं गाइस कौन विनर बनता है। वैसे स्पीड टेस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में आपको मालूम चल जाएगा रैम मैनेजमेंट के भी बारे में। यहाँ पे दोनों ही फोन्स हमारे पास 4GB 64GB में अवेलेबल है एंड यहाँ पे गाइस पुआ 3 में पहले लोगो आया, आई थिंक लोगो बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जो आपको पिक देखने को मिल रहा है बेसिकली फ्री फायर मैक्स का, तो ये पहले पुआ 3 में आया। बट विनर कौन होता है ये देखते हैं गाइस। और वैसे स्पीड टेस्ट आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे रैम मैनेजमेंट के भी बारे में आपको मालूम चल जाएगा दोस्त। बाकी यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो दोनों एग्जैक्टली सेम ही देखने को मिल जाता है, मीडियाटेक का हीलियो G88। तो देखिएगा इस किस में मतलब कितना बेटर ऑप्टिमाइजेशन है एंड यहाँ फाइनल विनर हो गया हमारा इन्फिनिक्स हॉट 11S। सो गाइस अब यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर ले तो एज यू कैन सी 33 पे है पोवा 3 एंड यहाँ पे इन्फिनिक्स भी 33 पे देखने को मिल जाता है। ओके गाइस अब प्ले करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम पोवा 3 में एंड गाइस यहाँ पे फ्री फायर मैक्स में एंटर हो चुके हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ। ग्राफिक देख सकते हैं फुल्ली मैक्स पे हमने कर दिया है एंड टाइम देख सकते हैं 10:43 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज की बात कर लें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 68 पे है। तो देखेंगे इसकी कितना ड्रेन होता है एंड एंड में आपको बताएंगे कि हीट भी कितना होता है। सो गाइस यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो देखने को मिल जाता है वो है मीडियाटेक का हीलियो G88। यहाँ पे गाइस इसका जो मेन USP है इस फोन का वो है गाइस इसका बैटरी नहीं गाइस यहाँ पे बैटरा बोल सकते हैं, पावर बैंक बोल सकते हैं। यहाँ पे मतलब आपको 7000 की बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और इस टाइम पे ऑलमोस्ट एक सैमसंग ही प्रोवाइड करता है 7000 mAh बैटरी एंड एक टेक्नो पुआ, और कोई भी ब्रांड देख लिया जाए तो नहीं है 7000 mAh के बैटरी के साथ, तो ऐसा कुछ रहता है। बाकी गाइस यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में तो आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन गाइस यहाँ पे इसमें मतलब आपको ये फ़ोन बाई करना चाहिए या नहीं बेसिकली, तो गाइस यहाँ पे जो सेंसिटिविटी देखने को मिल जाता है वो मुझे काफ़ी कम फील हुआ। मैं अगर कंपेयर करूँ इन्फिनिक्स हॉट 11S से ही अगर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे गाइस उससे सेंसिटिविटी के मामले में मुझे काफ़ी कम फील हुआ, काफ़ी लो फील हुआ, जिसकी वजह से गाइस सच बता रहा हूँ मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। मतलब ये 10 मिनट तो वैसे प्ले किया, उसके बाद बैटरी ड्रेन आपको दिखा दिया, लेकिन फिर से अलग से थोड़ा सा गेम प्ले अच्छा करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 5-6 गेम प्ले किए और 5-6 टाइम में मतलब गेम प्ले में मैं हार गया गाइस। मतलब यहाँ पे बाई चांस कभी किल मिल गया अचानक से तो ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है भाई, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है। पता नहीं जो कम सेंसिटिविटी पे खेलते होंगे उनको भाई सही लग सकता है, लेकिन मुझे बहुत ही बेकार लगा क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 11S में भाई प्ले किया हूँ, उसमें मैंने अच्छा प्ले कर लिया लेकिन इसमें प्ले नहीं कर पाया। तो वही बात है कि जो सेंसिटिविटी थोड़ा ज़्यादा लोग प्ले कर लेंगे ज़्यादा सेंसिटिविटी पे उनसे ये मतलब बिल्कुल ही इसमें नहीं खेला जाएगा, तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही बुरा रहा। और वहीं पे बात कर ले FPS की तो गाइस यहाँ पे FPS मतलब ठीक प्रोवाइड कर देता है, FPS से रिलेटेड मुझे इशू देखने को नहीं मिली, वही गाइस सबसे मेन है इसका सेंसिटिविटी। और इन्फिनिक्स हॉट 10S में भी यही इशू था जिसके वजह से उसमें भी मैं अच्छा गेम प्ले नहीं कर पाता था, वहाँ पे भी मुझे सेंसिटिविटी की कमी लगी थी और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद से इन्फिनिक्स के जितने भी फ़ोन्स आए उनमें गाइस कोई भी सेंसिटिविटी का इशू मुझे देखने को नहीं मिला,
तो बेसिकली इसी फ़ोन में मुझे सेंसिटिविटी का एक ये दिक्कत देखने को मिली है दोस्त। फाइनली गाइस यहाँ पे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 42 पे आ चुका है। तो हीटिंग इशू तो आई थिंक बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल इतना हर फ़ोन जाता ही है गेम प्ले जब करेंगे गर्मी के दिनों में। तो साथ ही गाइस यहाँ पे आपको मैं बैटरी परसेंटेज एंड टाइम दिखा दूँ, तो एज यू कैन सी 10:55 हो रहा है एंड यहाँ पर देख सकते हैं गाइस 65 पे आ चुका है, यानी कि 12 मिनट में 3% डिक्रीज हुआ है, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप दिया, मतलब बैटरी बैकअप लाजवाब है, लेकिन वही सेंसिटिविटी कमी होने की वजह से अच्छा गेम प्ले नहीं हो पाता है। अब दोस्त यहाँ पे प्ले करते हैं हम इन्फिनिक्स हॉट 11S में, एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सभी सेटिंग्स को हमने फुल्ली मैक्स पे कर दिया है, एंड गाइस यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 10:56 एंड बैटरी परसेंटेज 76 पे देखने को मिल जाता है, तो देखेंगे कितना ड्रेन होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर एंड डुअल स्पीकर के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो कुआ 3 का स्पीकर थोड़ा सा मुझे बेटर लगा कंपेयर टू इन्फिनिक्स, वहाँ पर थोड़ा लाउड देखने को मिल जाता है एंड हैप्टिक फीडबैक भाई कमाल का है कुआ 3 में। तो दो तीन चीज़ें ऐसी खास चीज़ें देखने को मिल जाती है पुआ 3 में जो कि मतलब काफ़ी बेहतर बनाती है फ़ोन का, लेकिन वही पे गई इस परफॉर्मेंस में मुझे पीछे लगा। बाकी बीजिया में टेस्ट करने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो मतलब गायब भी हो चुका है इंडिया से, जिसके वजह से मैं वो भी टेस्ट नहीं कर पाया, पता नहीं उसमें कैसा परफॉर्मेंस देगा। बाकी देखेंगे अपेक्स लेजेंड को इंस्टॉल करके कि मे भी कहीं उसमें पता चले कुछ एक्सपीरियंस अच्छा रहता है या बुरा। बाकी गाइस यहाँ पे इन्फिनिक्स का भी हमने कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट किया है तो वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। ओके बाकी यहाँ पे गाइस बात कर ले सेंसिटिविटी की, तो भाई किलर है, मतलब पुआ 3 को तो सच में किल ही कर देता है। यहाँ पे सेंसिटिविटी के मामले में भाई ये बिल्कुल ही कंपेरेबल नहीं है पुआ से, बहुत ही आगे चला जाता है सेंसिटिविटी के मामले में। एंड यहाँ पे गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक ही गेम प्ले किया एंड यहाँ पे 10 मिनट के अप्रॉक्स चला गया था आई थिंक एक गेम हमने प्ले किया था, एंड यहाँ पे गाइस मुझे कोई भी मतलब सेंसिटिविटी से इशू देखने को नहीं मिले एंड इसमें मैंने अच्छा गेम प्ले कर लिया कंपेयर टू पुआ 3, बहुत ही अच्छा गाइस। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी अच्छा देखने को मिल जाता है, FPS ये थोड़ा कम प्रोवाइड करता है अगर पुआ 3 से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि ये 45 के अप्रॉक्स रहता है लेकिन पुआ 3 आपको 50 के ऊपर प्रोवाइड करता है, लेकिन सेंसिटिविटी कम होने की वजह से गेम प्ले अच्छा नहीं हो पाता है ना, तो ये दिक्कत रहती है। बाकी यहाँ पे साउंड स्पीकर यहाँ पे भी डुअल देखने को मिल जाता है, लेकिन वही बात है भाई मतलब ये थोड़ा कम लाउड रहता है इन्फिनिक्स का, वरना और सारी चीज़ें गाइस काफ़ी अच्छी है, लेकिन आफ्टर अपडेट यहाँ पे मुझे हीटिंग थोड़ा ज़्यादा फील होती है भाई, और मतलब गेम प्ले अगर कर दिएगा आप 20-25 मिनट तो यहाँ पे फ़ोन इतना हीट होता है कि हाथ थोड़ा जलने लगता है गाइस, एंड एक दो बार मैंने नोटिस किया कि ये गेम से भी बाहर निकाल देता है, जैसे कि नार्जो 30 में वो इशू देखने को मिलता है ना, तो वैसा कुछ यहाँ पे भी मुझे एक दो बार इशू फेस हुआ है, बाकी हर टाइम नहीं होता है लेकिन मुझे कभी कभी फेस हुआ है गाइस। अगर पंखे वंखे के हवा में प्ले करते हैं गेम्स तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही नहीं इशू देखने को मिलेगा, ऐसे अगर प्ले करते हैं कभी गर्मी के दिनों में तो आपको देखने को मिल सकता है वो इशू दोस्त। बाकी दोस्त यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट देख सकते हैं गेम प्ले कंप्लीट हो चुका है, एंड सबसे पहले टेम्परेचर दिखा दूँ तो एज यू कैन सी 43.7 एंड 44 टच कर गया है, तो क्लियरली गाइस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हीट होते हुए नज़र आया है आफ्टर अपडेट जो 444 MB का अपडेट आया था आई थिंक। और यहाँ पे गाइस टाइम देख सकते हैं 11:10 हो रहा है एंड बैटरी परसेंटेज 70 पे आ चुका है, यानी कि 6% डिक्रीज हुआ है 14 मिनट में, जो कि मेरे हिसाब से 5000 के हिसाब से गाइस थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा ड्रेन हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 4% डिक्रीज होना चाहिए था अगर कंपेयर किया जाए और फोन से। तो गाइस तो दोस्त कुछ ऐसा रहता है, मैं क्लियरली सजेस्ट नहीं करूँगा आपको पुआ 3 नहीं बाई करना चाहिए वन वर्ड में कहूँ तो दोस्त। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।